जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एकजुट है और प्रशासन भी आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस कोरोना के संकट में भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर आग उगल रहे हैं। इसमें गरीब तबके के सब्जी बेचने वालों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे उनकी रोजी रोटी के साथ साथ अब उनको मौत का खतरा भी मंडराने लगा है। सब्जी बेचने वालों के साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, जिसको लेकर कुछ जागरूक लोगों ने इसकी शिकायत बीना पुलिस से की है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे शहर में आपसी भाईचारा कायम रखा जा सके। जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट आदेश है कि कोरोना वायरस को लेकर या अन्य सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किन्हीं व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई अफवाह या इलीगल तरीके से कोई खबर, अपुष्ट खबर दी जाती है, कोई जानकारी दी जाती है, कोई मैसेज किया जाता है, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। एक शिकायत आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और उसको जांच में ले लिया गया है और इसमें जांच उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना जो वायरस से महामारी चल रही है, ये अपने देश में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है, सदी की सबसे बड़ी आपदा है और हमारे देश का जो सोल है भारत का, वो भाईचारा है। आपसी प्रेम भाव से रहते हैं हम लोग, आपस में मिलजुल के रह के इसका सामना करते हैं। अब कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और गलत पोस्टें डाल रहे हैं, और गलत पोस्टें डालने के साथ साथ कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उन गलत पोस्टों पे गलत तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, और एक समुदाय, धर्म, समाज के विशेष के प्रति लोगों में गलत भावनाएं भर रहे हैं, गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं, जिससे माहौल गंदा हो रहा है। और मैंने इस संबंध में थाना प्रभारी बीना को एक लिखित में शिकायत की है और SP साहब को भी शिकायत व्हाट्सएप पे भेजी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्थिति बनी हुई है सोशल मीडिया पे, तो उस पे उन लोगों पे जो इस टाइप की पोस्ट करते हैं उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और विशेष तौर पर उन पे ध्यान भी दिया जाए कि इस तरीके की पोस्टें ना करें। और सागर एक्सप्रेस न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। अगर आपके आसपास भी कोई सोशल मीडिया पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसकी तुरंत नज़दीकी थाने में शिकायत करें। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, त्री रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116।